शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में बाउंड्री वॉल होना चाहिए, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि इस कानून के लागू होने के 7 वर्ष बाद भी जौनपुर जनपद के रामनगर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय जोगापुर में बाउंड्री वॉल न होने के कारण नीरज सहित 108 बच्चों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बाउंड्री सुरक्षित नहीं है, हैंड पाइप की सुरक्षा नहीं हो पाती, लैट्रिन की सुरक्षा नहीं हो पाती, बच्चे इधर उधर फालतू घूमते रहते हैं। शौचालय क्षतिग्रस्त है आपके यहाँ? नहीं, शौचालय है ठीक नहीं है। तो उसमें बच्चे जाते हैं? नहीं। तो कहाँ जाते हैं बच्चे? बाहर सुबह लैट्रिन करके आते हैं, फिर दोपहर को या 1-4 बजे जो है 3:30 बजे घर जाते हैं। लंच होने के बाद में हम लोग खेल नहीं पाते हैं, यहाँ पर आते हैं खाना खाने के लिए, तो कुत्ता हमारा खाना खा लेता है और उसमें मक्खी तो गिरती है पर कुत्ता उसमें खाना खा लेता है, और इधर इतना घास घूस है, हम लोग खेल नहीं पाते। क्यों अच्छा ये सब दिक्कत हो रही है, क्यों खेल नहीं पाती हैं? बाउंड्री नहीं इसलिए। अच्छा, बाउंड्री ना रहने से और क्या दिक्कत हो रही है? और दिक्कत हो रही है, वहाँ से आते हैं सब लोग और इधर कीचड़ कर देते हैं, इधर से बदबू आती है। शौचालय में उसका दरवाज़ा भी टूट गया है और साफ सुथरा भी नहीं है। सही हो जाएगा तो कुत्ता उसमें नहीं जाएगा, उसमें हम लोग जाएंगे, जैसे उसमें मैदान करेंगे और उसमें खेत में हम नहीं जाएंगे, किसी के पेड़ पौधा भी लगा सकते। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूं कि जौनपुर जनपद के BSA जिनका मोबाइल नंबर 94-53-00-41-93 है, इस पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि इन बच्चों की समस्या दूर हो सके। मैं बबीता मौर्या, जौनपुर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।